बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस नेता सलमान खान की मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खजुराहो में शनिवार को धरने पर बैठ गए। देखिए पूरे मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया के कथित वायरल वीडियो पर भी दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। दिग्गी ने कहा है कि वीडियो में अरविंद पटेरिया खुद फंस रहे हैं। पहले कह रहे थे कि रात में सो रहा था और अब कह रहे हैं कि मौके पर था। अरविंद पटेरिया खुद झूठ बोल रहे हैं। दिग्गी ने चेतावनी दी है कि पूरे मामले में अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगी तो प्रदेश के कार्यकर्ता खजुराहो पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी जरूर आएंगे। वहीं वीडियो सामने आने पर भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूं। एफआईआर जो है विड्रॉ कर ली जाए या कॉश कर दी जाए, हम होने नहीं देंगे। उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं आप? पूरी तरीके से शासन बचाने का प्रयास कर रहा है, जबकि ये हादसा नहीं है, हत्या है। और मैं तो कहता हूं कि प्रशासन क्या कर रहा था, 40-40 गाड़ियां रात को घूम रही हैं, कहां था इनका प्रशासन? पहले कह रहे हैं कि रात को तो मैं सो गया था और अब कह रहे हैं मैं मौके पे था, ये तो खुद झूठ बोल रहे हैं। अगर यहां पे प्रशासन ने संज्ञान में इसको नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया, तो पूरे प्रदेश में फैलेगा और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। कमलनाथ जी क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ईश्वर साक्षी है, ये जो कर रहे हैं ये घटिया राजनीति कर रहे हैं। इनके कम से कम 70% लोग भुत थे, दारू में के नशे में थे, अधाधुन गालियां गलौज कर रहे थे, डंडे लिए थे, इनकी गाड़ियां भगी। वो सलमान जो है, मैं चूंकि निकल चुका था, बताया ये है, मैं झूठ नहीं बोलता चूंकि, कि वो गाड़ी पे चढ़ने की उसने कोशिश की, कोशिश करने में वो गेट छूट गया, वो बैठ नहीं पाया, पीछे चूंकि उनकी गाड़ियां स्पीड में भागी तो वो रोनते हुए गाड़ियां निकल गईं। अब चूंकि इनके साथ घटना घट चुकी थी, इनको मौका मिला कि अरविंद पटेल को अब फंसाया जाए,